दोस्तों आज मैं आया हूँ रहस्यों और मान्यताओं से परिपूर्ण पाताल भुवनेश्वर में, जो कि चूना पत्थर की बनी हुई एक प्राकृतिक गुफा है। यह गुफा जमीन से 90 फीट नीचे तथा 160 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस गुफा के अंदर सतयुग से लेकर कलयुग तक के प्रमाण मौजूद हैं। इस गुफा में धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सारी प्राकृतिक कलाकृतियाँ विद्यमान हैं। यह गुफा धार्मिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पाताल भुवनेश्वर से संबंधित वो सभी जानकारियां दूंगा जो कि आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर के पास और आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, इसके ठीक नीचे यहाँ की गुफा और मंदिर है, जो कि 90 फीट ज़मीन से नीचे और 160 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज छिपा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आगे चलकर हम चलेंगे गुफा के अंदर। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के प्रवेश द्वार के पास और यहाँ पर इस गुफा का इतिहास और इस गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इस गुफा की सबसे पहले खोज सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने त्रेता युग में की थी। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा इस मंदिर की खोज करने वाले पहले व्यक्ति राजा ऋतुपर्णा ही थे। उसके बाद द्वापर युग में इस गुफा की पुनः खोज पांडवों द्वारा की गई और यहाँ पर उन्होंने चौपड़ भी खेला था। उसके बाद कलयुग में इस मंदिर की खोज पौराणिक कथाओं के आधार पर जगतगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहाँ पर उन्होंने तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। और उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य ने इसकी जानकारी चंद राजाओं को दी। चंद राजाओं द्वारा ही यहाँ पर पूजा का कार्य करने के लिए पुजारियों को लाया गया। वर्तमान में भंडारी परिवार की 10वीं पीढ़ी इस मंदिर की पूजा कर रही है। स्कंद पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी यहाँ पूजा करने आते हैं। दोस्तों इस गुफा और मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर की खोज अलग अलग युगों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई, जिसके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं रिसेप्शन रूम की तरफ, जहाँ पर हमें अपना बैग रखना होगा क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग व हथियार ले जाना मना है। रिसेप्शन रूम के पास ही इस मंदिर की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग लिखी हुई है और इसके अलावा गुफा में प्रवेश करने के कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपको गुफा के अंदर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अभी मैं बैग जमा करने वाली लाइन में लगा हुआ हूँ और ये लाइन थोड़ी लंबी है, जिसकी वजह से मुझे बैग जमा करने में थोड़ा समय लग जाएगा। तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर गुफा में प्रवेश करने के इंस्ट्रक्शंस और टाइमिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों को हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क रोग, दमा, घबराहट और लकवा या अपंगता जैसी बीमारियाँ हों, वो लोग इस गुफा में प्रवेश ना करें। इसके अलावा यहाँ पर 5 वर्ष तक के बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों का भी प्रवेश वर्जित है, क्योंकि गुफा काफ़ी बड़ी और गहरी है, जिसकी वजह से गुफा के अंदर कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए गुफा के अंदर 5 वर्ष तक के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का गुफा में प्रवेश वर्जित है। गुफा में प्रवेश करने के इंस्ट्रक्शंस को जानने के बाद अब हम देखते हैं इसकी टाइमिंग, कि यह गुफा सर्दियों और गर्मियों में कितने बजे तक खुली रहती है। तो यह गुफा गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है और सर्दियों में यह गुफा सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों अभी हमने अपना बैग रिसेप्शन पे जमा कर दिया है। जब आप रिसेप्शन पे अपना बैग जमा कर देंगे तब आपको ऐसी एक पर्ची मिलेगी जो कि 160 रुपये की है। हम दो लोग हैं और हमने दो बैग जमा किए हैं तो यह पर्ची 80 रुपये पर बैग के हिसाब से है। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ़ मोबाइल्स और अदर आइटम्स की डिटेल्स लिखी रहती है, जिसे आपको संभाल कर रखना होता है और वापसी में यह पर्ची दिखाकर अपना बैग व सामान लेना होता है। दोस्तों रिसेप्शन पे अपना बैग जमा करने के बाद अब हम चलते हैं गुफा की तरफ। आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और गुफा के गेट पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर लोगों को गुफा के अंदर ग्रुप वाइज भेजा जाता है,
ताकि गुफा के अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग गुफा के अंदर की सभी चीज़ें आराम से देख सकें। गुफा के अंदर जाने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता होती है, जो कि आपको गुफा के मेन गेट के पास ही मिल जाएगा। बिना गाइड के आप इस गुफा के अंदर ना जाएं, क्योंकि यह गुफा पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक है और बिना गाइड के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, गुफा के अंदर मोबाइल फ़ोन व कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको अंदर की वीडियो ज़रूर दिखाता। लेकिन पिछली बार जब मैं सन 2010-11 में यहाँ पर आया था, तब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन व कैमरा ले जाना अलाउ था। उस समय मैंने गुफा के अंदर की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, जिनको कि मैं स्टेप बाय स्टेप यूज करूँगा और उनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगा, ताकि आप इस गुफा को अच्छे से देख व समझ सकें। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इस गुफा के एंट्रेंस पे और यहाँ से हमें 90 फीट नीचे जंजीरों के सहारे नीचे उतरना होगा। यह गुफा पत्थरों की बनी हुई है और इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ का रास्ता बेहद चिकना है और फिसलने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप यहाँ पर सावधानी पूर्वक आराम से उतरें, ताकि आपको किसी प्रकार की चोट व क्षति ना पहुँचे। अब हम आ गए हैं इस गुफा के अंदर और यह गुफा 160 वर्ग मीटर में फैली हुई है। मैंने आज तक इससे बड़ी कोई गुफा नहीं देखी है और इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर एंट्री करने के साथ ही सबसे पहले आपको नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। नरसिंह भगवान के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको शेषनाग के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी हुई है। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए आपको गुफा की छत पे कामधेनु गाय के थन की आकृति नज़र आती है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के समय में इस थन से दूध की धारा बहती थी, लेकिन कलयुग में अब इस थन से दूध के बदले पानी टपकता है। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए आपको मुड़ी गर्दन वाला एक हंस कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में अमृत भरा हुआ था, जिसकी देखरेख गरुड़देव के हाथ में थी। लेकिन जब गरुड़ ने इस कुंड से अमृत पीने की कोशिश की, तो शिवजी ने गुस्से में आकर गरुड़ की गर्दन मोड़ दी। इस गुफा के अंदर आपको चार द्वार देखने को मिलेंगे, जो कि रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। कलयुग में मोक्ष द्वार को छोड़कर बाकी सभी तीनों द्वार बंद हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी, तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया था। दोस्तों, मोक्ष द्वार से एंट्री करने के बाद आपको चारों युगों के प्रतीक के रूप में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के रूप में खम्भे दिखाई देंगे। इनमें से एक खम्भा, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यह बढ़ते बढ़ते गुफा की छत से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद आगे आने पर आपको गणेश जी का मस्तक दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती के कहने पर गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था, उसे यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल है, जिससे दिव्य बूंद गणेश जी की शिला रूपी मस्तक पर गिरती है और इसकी मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती है। ऐसी मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ पर स्थापित किया था। उसके बाद आगे आने पर आपको गुफा के एंड में देवों के देव महादेव के दर्शन होंगे। इन्हीं के नाम पर इस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर देवादिदेव महादेव का मंदिर जमीन से 90 फीट नीचे गुफा में है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गुफा के अंदर पाताल में भगवान शिव का मंदिर होने के कारण इस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर है। यहाँ पर आपको भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु जी के भी दर्शन होंगे, जिन पर जल की बूंदें निरंतर गिरती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जलाभिषेक स्वयं माँ गंगा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आकर और इस मंदिर के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा, और अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने का बेस्ट समय गर्मियों का सीजन है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों का मौसम खुशनुमा और अच्छा बना रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पर सर्दियों में भी आ सकते हैं। बरसात के सीजन में आप यहाँ आने से बचें, क्योंकि बरसात के सीजन में यहाँ काफ़ी बारिश होती है, जिससे लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है।
दोस्तों बात करें दी वहां पर होटल्स की, तो यहां पर आपको लगभग 2000 रुपए में पाताल भुवनेश्वर और गंगोली हाट में होटल्स मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें दी यहां पर आने की, तो यह मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर है, तो आप यहां पर ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ही तरीकों से आ सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी बाई फ्लाइट करते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कि यहाँ से 224 किलोमीटर दूर है। और अगर आप अपनी जर्नी बाय ट्रेन करते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टनकपुर है, जो कि यहाँ से 154 किलोमीटर दूर है। और अगर आप अपनी जर्नी बाय रोड करना चाहते हैं तो पाताल भुवनेश्वर रोड के थ्रू वेल कनेक्ट है। इसके लिए आपको पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट आना होगा, जो कि पाताल भुवनेश्वर से 14 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर और इस मंदिर के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।